मेरा रूम नंबर है 106 और मेरे साथ 5 लोग हैं, शिवम मौर्य, रत्नेश और कौन है, अरे एक वो पियक्कड़ है, वो उमेश यादव। तो इसके बाद अभी हम लोग पहले तैयार हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे सनसेट पॉइंट, फिर हम लोग बस इतना ही, उसके बाद देखते फिर आगे क्या क्या प्लान है, फिर आपको जैसा जैसा भी होता है आपको बताता हूँ। चलो बाय। और मामा मजे कर रहे हो? खाना खाने, क्योंकि अभी बहुत तेज भूख लगी हुई है हम लोगों को, लगी है ना भूख? हाँ लगी है। क्या खाएगा? मैं तो नॉनवेज खाता हूँ। या अभिषेक नॉनवेज खाएगा, मैं वेज खाऊंगा और उसके बाद फिर होटल में जाएंगे। हाँ। ऐसे हमारा दिन होटल में और सो जाएंगे उधर, फिर सुबह निकल लेंगे, फिर उसके बाद कंपनी ज्वाइन कर लेंगे। मतलब फिर से वही दिन चल रहा चालू। चंदू भाई कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोले यार, भूख लगी है अभी। चंदू भाई को भी भूख लगी है। चंदू भाई क्या खाओगे? अभी नॉनवेज ही खाएंगे। क्या मिलता है अगर मैं खाना लिया तो? नॉनवेज थोड़ा चंदू भाई तेज बोलो, यूट्यूब पे चल रहा है। अरे नॉनवेज मिलता है तो नॉनवेज वेज मिलता है तो वेज, दोनों में से कोई भी जो पसंद हो देखेंगे, जो अच्छा लगेगा। और चंदू भाई मजा आ रहा है? थोड़ा बहुत नहीं आया उस हिसाब से जैसा आना चाहिए वैसे अभी नहीं आया, क्योंकि हम लोग घूम नहीं पाए एक्चुअली पूरा। हम लोग एक्चुअली शाम को पहुंचे थे तो इसलिए ज़्यादा घूम ही नहीं पाए, और हमें कल सुबह निकलना है जल्दी, तो हमारा ट्रिप ऐसा ही था, मज़ा नहीं आया ज़्यादा। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर खाना खाने के टाइम। बाय। बहुत जाने के बाद मिस करोगे या मुझे या फिर राजा बाबू या अंजनी को मिस करोगे? पूरी टीम को मिस करूंगा मैं, पूरी टीम को करोगे? शादी से पहले घूम के ले लो, सब लोगों को बोल रहा हूँ, शादी के बाद घूमने का प्लान नहीं होता। बात शादी की नहीं होती है, जब दो लोग हो जाते हैं उसके बाद तीन चार, तब ये प्लान नहीं बनते। राजा बाबू बनाता है ये आपको डिपेंड करता है मिली कैसी है, मिली कैसी है। अगर दिल्ली वाली हाई शहर वाली हाई क्वालिटी वाली मिलेगी तो तुमको घुमाएगी, और जो अगर ठीक ठाक मिल गई
तो फिर आपको समझाएगी और समझे, अगर आपसे भी अच्छी मिल गई तो तुमको बजाएगी भी, समझ रहे हो? तू भी थोड़ा ज्ञान दे अभी इसका, इसका ज्ञान पहले ले भाइयों। शादी के बाद ना जिंदगी झंड है, इसलिए जो भी ये वीडियो तेरी बहू भी देखेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, जिंदगी झंड भी नहीं बोल सकते हैं एक तरह से, मतलब फ्रीडम खत्म हो जाता है। तो शादी से पहले जितना भी आजादी है वो शादी के बाद नहीं है। मतलब मैं आजाद हूँ? हाँ, तू आजाद भी है, तू तो बेपरिंदा है। तू तो आजाद के साथ साथ आजाद भी है अभी। तो सोच समझ के अपना जिंदगी का जो टेंशन रखता है ब्रदर, तो एडवाइस दूंगा कि शादी से पहले जितना हो सकता है अपनी लाइफ को एंजॉय कर लो, अदरवाइज योर लाइफ इज कंजेस्टेड विद योर फैमिली, विद योर परिवार, विद योर रूल्स रेगुलेशन, फैमिली, बच्चे। अरे यार रजत नहीं निकल रहा है बाहर में अंदर। देख भाई मैं तेरे से बोल रहा हूँ, तू मेरे से दूर रहे, मेरे से ऐसे मत बोल। देख मेरे से मजाक पसंद नहीं है, मुझे मजाक पसंद नहीं बिल्कुल भी। ये वीडियो कटना नहीं चाहिए, ये जो एक्टिंग है ये नहीं कटेगा, सच्ची नहीं कटेगा। एक बार कृपेश करो बता, कृपेश कृपेश का स्टाइल राजा बाबू क्या कर रहा तू? नीलेश का, नीलेश साहब राजा बाबू तुम कहाँ थे? इतना टाइम लगता है क्या चाय पीने में? अरे इतना टाइम, अरे तुम चार को और लेके जाते साथ में, अकेले चाय पीने की क्या जरूरत थी? और चार को ले जाते हैं साथ में। ना ना दो दो लोग जाएंगे, दो दो लोग, दो दो लोग जाएंगे। अतुल भैया मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल बहुत बहुत मजा आ रहा है। अच्छा मजा आने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उतना उसमें मजा नहीं आया, बाकी बहुत बढ़िया लगा। पूरी ट्रिप बहुत अच्छी जा रही है, खाने में भी शायद बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ का ये लोग बता रहे हैं यहाँ के लोकल लोग कि अच्छा रेस्टोरेंट है, तो देखते हैं अभी खाना। भैया कंपनी पे कर रही है ना ये सब? नहीं, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे अच्छा प्रोडक्शन निकाला ना हम लोग? प्रोडक्शन तो हम लोग तो अच्छा निकाल रहे हैं, टॉप क्लास निकाल रहे हैं। हमने वेस्टेज भी बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस किया है, तो शायद बस इसीलिए पार्टी है। वो जो भी है, जो कितना टाइम लगेगा कर दो, फटाफट कर दो। मामा चिकन कैसा है? कैसा चिकन? क्वालिटी कैसा? क्वालिटी कैसा? देखिए हम इस समय माउंट आबू पे हैं और बड़ी मुश्किल से ऊपर से तोड़ के लाए हैं मणि। ये जड़ी बूटियां हैं हिमालय की पर्वत की चोटी से ऊपर से तोड़ के लाए हैं, बानरों से बच के। और ये बड़ी बूटियां है, बड़ी बूटियां क्या होता है ये देखो, इसमें मिनरल है और इसमें एंटीबायोटिक है। ये खाने से इंसान 2-3 गुना ज्यादा घोड़े की तरह भागेगा। अपने होटल वगैरह सब जा रहे हैं, अभी खाना वाना खा लिया। क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? नशा करके बैठा है बंदा। कौन नशा करके? नशा क्या होता है? नशा एक शराब होता है, एक स्वभाव होता है, एक दर्द होता है। मुझे दर्द है। तो ऐसा भी खाना वाना खा लिया है, अभी जा रहे हैं हम लोग अपने होटल वगैरह, वहाँ पे जाके लेटेंगे। फिर सुबह यहाँ से फिर जल्दी निकलना है, क्योंकि कंपनी अपनी ज्वाइन करनी है। तो फिर चलो, फिर मिलते हैं सुबह, मिलते हैं।
पी थी तो बात बन गई और सुबह यहाँ की ठंडी से गल गई। अब नहीं रुका जा रहा है इधर, अब चलते हैं उधर। गाइस अभी हम जा रहे हैं, आज अभी दूसरा दिन है तो मिलते हैं गाड़ी में। कस्तो मजा है ले मा रमैलो काली ओडाली अजनू ससीने में एक चुनू एक दीवानगी हर तरफ हर तरफ हर तरफ हर तरफ कहे हलके हलके ये रंग झलके झलके जो किससे है कल के भुला दे कोई हौले हौले मेरे दिल से बोले किसी का डोले चल जाने दे कोई जादू जिसको मजा है ले ले माँ रमैलो जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा मगर फिर भी ना जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेनोरिटा नो देवी अल्ला मीराजा के दाते सरदारा मी मुझको बाहों में तुम घेरो समझी ना सेनोरिटा की खता भी है क्या मुझको गिला भी है क्या अरे इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला मारे उसके शहर को छोड़ा उसकी गली में दिल को तोड़ा फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल मैंने दिल से उसे निकाला जो ना करना था कर डाला फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल पता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का अता पता रहे ना किसी का यही कहे ये पल जिंदगी का कि